साधारण रिश्तों में हमेशा मुझे खालीपन नजर आता है। मेरा तो ये मानना है कि अवैध संबंधों में ही प्रेम अपनी पूरी चमक और जोश के साथ रहता है, अंधेरे कोने में बचा कर रखे हुए एक अनमोल हीरे की तरह। अवैध संबंधों में इंसान अपनी असली और पूरी आजादी को महसूस करता है। उसकी जिंदगी, उसकी सोच समाज के बनाए बेकार ढर्रों से परे होती है। वो सचमुच अंदर गूंजते रहने वाले सुख के पल होते हैं। बाकी रिश्तों में तो एक दोहराई जाने वाली उबी हुई गुलामी होती है, जो जरा सी परत खुरचने पे साफ साफ दिखाई देती है। यह गुलामी एक वक्त के बाद डर को जन्म देती है, और ये डर जितना लंबा रहता है, समाज उसी को सही मायने में अच्छा जीवन बतलाता है। मैं इंसान की आजादी, प्रेम और जीवन से अंतिम बूंद तक सुख निचोड़ लेने के उसके अधिकार को मानता हूं, और ये अधिकार मुझे अवैध संबंधों में बहुत साफ तरीके से पूरा होता दिखता है। मेरे दो अवैध संबंध हैं, दो शादीशुदा औरतों से, एक 9 साल पुराना, दूसरा 6 साल पुराना। दोनों आपस में बहने हैं। बड़ी को छोटी और मेरे संबंध के बारे में कुछ नहीं मालूम, छोटी को मेरे और बड़ी के बारे में सब मालूम है। मैं रेल के दुर्घटनाग्रस्त डब्बे और इंजन खरीदने का काम करता हूं। मेरी नजर बहुत तेज है, एक झलक में किसी को भी पूरी तरह समझ लेता हूं। उसकी आंतरिक स्थिति, पदार्थ, क्षति सबका मूल्यांकन कर सकता हूं, चाहे वो रेल का डिब्बा हो या औरत। मैं आज तक कोई नीलामी नहीं हारा। टैक्सी चाहिए साहब? आइए ना साहब। टैक्सी तुम्हारे पास है ना साहब? आइए ना, आइए आइए प्लीज। आज सुबह से कोई नहीं मिला साहब जो टैक्सी ले सके। जो समझ में आए दे दीजिए, आइए आइए। तुम्हारी खुद की टैक्सी है? जी साहब। अच्छा, बाहर जाते हो? जी जाता हूँ। मुझे कल बाहर जाना है जी, जहाँ रेल का एक्सीडेंट हुआ है। जी, तुम्हें पता हो जगह? जी हाँ, मैं उसके पहले वाले शहर में रहता हूँ। सुबह आप जब कहेंगे मैं आ जाऊँगा। आइए साहब, ये पास ही गाड़ी है। ये? जी हाँ, बैठिए बैठिए सर। कहाँ रुकेंगे आप? पता नहीं, ऊपर होटल होंगे ना? बहुत है साहब, पर गंदे, भीड़ से भरे हुए, पानी की कमी से बेहाल और बहुत महंगे। वैसे आप सिर्फ आज की रात ही रुकेंगे ना? हाँ। आप कहें तो मैं आपको एक बहुत अच्छी जगह ले जा सकता हूँ, बिल्कुल घर की तरह, बल्कि घर ही कहिए उसे। एक अधेड़ औरत है, अकेली रहती है। वो सिर्फ उन लोगों को कमरा देती है जिन्हें मैं लेके आता हूँ। मुझे पता है उसे अपने घर में किस तरह के लोगों को ठहराना पसंद है। आप जैसे अकेले, पढ़े लिखे, समझदार, सभ्य और पैसे के मामले में बिल्कुल चिक चिक ना करने वाले। घर का खाना, गर्म पानी, बड़ा पलंग सब मिलेगा। मैं वहाँ शाम को क्या कर सकता हूँ? आप वहाँ घूम सकते हैं, झील पर उगता हुआ चांद देख सकते हैं। वहाँ शांति है? बिल्कुल शांति है साहब, वहाँ कोई नहीं है उस औरत के अलावा। वहीं चलो। जी। उम्र क्या होगी उसकी? आपसे 2 साल बड़ी या छोटी? अंग्रेजों का बनाया हुआ बहुत ही खूबसूरत घर है, बाहर से देखने पर वो 100 साल पुराना लगता है साहब। वैसे ही लकड़ियों के दरवाजे, लंबी पतली खिड़कियां, छोटी छोटी नकाशी वाले शीशे, अंदर से ऊंचे ऊंचे दिखने वाले कमरे, पर बिल्कुल नया बना रखा है साहब।
13 साल पहले यहाँ बूढ़े अंग्रेज मियां बीवी रहते थे, उनकी देखभाल के लिए आई थी साहब। बहुत पढ़ी लिखी है, जाते जाते वो घर इसे बेच गए। और तुम ये सब कैसे जानते हो? दरअसल मैं उसी के शहर का रहने वाला हूँ, बचपन से जानता हूँ मैं उसे, उनके घर आना जाना लगा रहता है। ये वाला घर है? जी साहब, बस आ गए। आज रात ये यहीं रुकेंगे, कल सुबह चले जाएंगे। ये कैसे हो सकता है? तुम्हें पता है ना कल वो आ रहे, कितना काम करना है मुझे, उन्हें सब कुछ अच्छे से मिलना चाहिए, यहां तक कि मैं भी। आ जाओ। आइए सर। पर मुझे पूरे घर के काम करने और नीचे से बहुत सामान भी लाना है, इन्हें तकलीफ होगी। नहीं, बल्कि ये रुकेंगे तो तुम्हें मदद ही मिलेगी। क्यों साहब? तुम प्रोफेसर तो नहीं हो या लेखक? नहीं, क्यों? क्योंकि वो किसी काम के नहीं होते, किताब लेकर बैठ जाते हैं कोने में और लिखते रहते हैं, और बार बार कॉफी मांगते हैं, भेजा खराब कर देते हैं मेरा, और वैसे भी आज मुझे बहुत काम है। नहीं, मुझे पढ़ाई से नफरत है। हाँ, मैं खाने से पहले दो पैक जरूर पीता हूँ और साथ में लेके आया हूँ। आओ तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूँ। तुम पैसे अभी लोगे या बाद में? नहीं साहब, बाद में ले लूंगा, मैं कल सुबह 8 बजे आऊंगा, वैसे भी 4 घंटे लगेंगे ही। कहाँ जा रहे हो? वहां जा, रेल का एक्सीडेंट हुआ है। टैक्सी से? हाँ। मैं भी चल सकती हूँ तुम्हारे साथ में, वो जिस गाड़ी से आने वाला है वो एक स्टेशन पहले ही रुकती है। ठीक है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर तुम कमरा नहीं देती तो बताता ना। आओ तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूं। अच्छा साहब, मैं चलता हूं। ये तुम्हारा कमरा है, कॉफी पियोगे? शाम को इस वक्त मैं पीती हूँ। जरूर, उसके बाद नहाऊंगा। नहीं अभी नहीं, अभी तो मेरे साथ काम करवा दो, गंदे हो जाओगे, तब तक पानी भी गर्म हो जाएगा, उसके बाद मेरे साथ बाजार चलना। ठीक है? ठीक है। शक्कर? एक चम्मच। उसे जाले बिल्कुल पसंद नहीं है, ना ही ये रंग पर्दों का, और थोड़ी सी पौधों की कटिंग भी कर लेंगे। ठीक है? और उसके बाद तुम मेरे साथ नीचे चलना, मैं खरीदारी कर लूंगी, तुम थोड़ा टहल लेना। वो है कौन? कौन? वो जो आ रहा है? हम प्यार करते थे, शादी करने वाले थे, 13 साल बाद लौट कर आ रहा है जेल से। जो मैं कल पहनने वाली हूं मैं आज पहनकर दिखाती हूं तुम्हें, बताना कैसा लग रहा है। ठीक है? उससे कुछ छूटना नहीं चाहिए, बहुत साल पहले मुझसे भी बहुत कुछ छूट गया। मैं चाहती हूं उससे कुछ ना छूटे, उसे सब मिलना चाहिए, वैसे ही जैसे वो इतने सालों में सोचता हूं, सब कुछ। ये आप है ना? स्विमिंग टीम की कैप्टन थी। शुरू करें? आप बताइए कहां से शुरू करना है। तो मुझे तुम बुला सकते हो।
चाहिए तो खटखटा देना। ठीक है। ये मन्नतों वाला मंदिर है, यहां मैं रोज प्रार्थना करती थी और देखो आज भगवान ने मेरी सुन ली। थोड़ी देर यहां बैठ जाए। तुम्हारा शॉल बहुत अच्छा है। आखिरी बार यही ओढ़ा हुआ था जब उससे मिली थी। अब भी मेरी यही शक्ल सूरत याद होगी ना उसे। बुरी तो नहीं लगूंगी ना उसे। क्यों नहीं, हम जब किसी से नहीं मिलते तो भूल जाते हैं ना कि उम्र भी तो गुजरती जा रही है। शायद हाँ, जब हम आखिरी बार मिले होते उसी शक्ल सूरत में सोचते हैं, वही कपड़े वही बाल। मैं भी उसे 13 साल पहले का ही सोच पाती हूँ, बूढ़ा नहीं सोच पाती। मैं उसे निराश तो नहीं करूंगी ना। किस तरह? अधेड़ साधारण औरत की तरह। नहीं, तुम आज ही बहुत सुंदर हो। हाँ, तुम किसी स्विमिंग टीम की कैप्टन नहीं लगती। पर मैं थी वो जादू भरे दिन। मैं तुम्हें बोर तो नहीं करी ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्टेडियम की सीढ़ियों पे बैठा रहता था मैं, नीचे पूल में चक्कर काटती रहती थी। वो एक टक मुझे देखता था, मैं भी नजर चुरा के उसे देख लेती थी। उसे देखकर मानो पंख लगाते थे मेरे, मैं और तेजी से चक्कर काटती थी। फिर प्रैक्टिस के बाद दौड़कर उसके पास चली जाती थी। वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर मुझे अपने कंधे से चिपका लेता था। मेरा गीला तन धीरे धीरे सूखता रहता। वो मेरे माथे से बाल हटाता था। फिर मेरे सूखे होंठों को अपने होंठों से गीला करता था। मैं तुम्हें दूसरी पहाड़ी पे ले जाऊं? तुम्हें सामान खरीदना था ना? वो तो मैं कल भी खरीद लूंगी, तुम्हारे साथ जा रही हूं ना। ठीक है, चलो। चांद आज देर से निकलेगा। कितना इंतजार किया ना मैंने कल के दिन का, चांदनी रात में उसके साथ बैठने का, ठंड में उसकी बाहों में। कितने साल गुजर गए ना। जब तक चांद निकलता है मैं तुम्हें कुछ बताऊं अपने बारे में, उसके बारे में? अगर रो नहीं तो नहीं, रहूंगी नहीं।
और अगर रोना है तो चुप हो जाऊंगी। वो शहर का सबसे माना हुआ थिएटर एक्टर था। जब मैं उसे स्टेज पर देखती थी ना, दूसरी दुनिया का लगता था। उसने आखिरी बार हैमलेट परफॉर्म किया था। मैं और उसके दोस्त पूरे शहर में पोस्टर्स लगाया करते थे उसके। हम एक चाय खाने में मिला करते थे। उस चाय खाने में ना सब वेटर गूंगे थे और शहर के सब गूंगे वहीं आते थे और उस साइन लैंग्वेज में बात करते थे। हम शादी कर लेते अगर वो खून ना हुआ होता। हम दिल्ली थिएटर करने गए थे, उसी दौरान वहां एक खून हो गया। फिर एक रैली निकाली गई जहां देश भर से लोग आए थे, वो भी गया था पर लौटा नहीं। फिर वहां झगड़े हुए, कुछ पुलिस वाले भी घायल हुए और उसे पकड़ कर ले गए। फिर दो और कत्ल हुए, फिर उसका क्या हुआ कुछ पता ही नहीं चला। बहुत ढूंढा, चाय खाने में भी गई, लेकिन उसके दोस्त या तो गूंगे थे या फिर गूंगे बहरे बन गए थे। 4 साल बाद मैंने वो शहर छोड़ दिया, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ी। तो कल मैं उस प्लेटफॉर्म पे यही शॉल पहन के जाऊंगी उससे मिलने। वो मुझे पहचान तो लेगा ना? इसी शॉल को पहनकर उसी जगह खड़े हो ना, ये तुम्हें किसने बताया? वो मेरे पुराने पते पर तार आया था ना, वो मुझ तक आ गया। चले आप? हाँ, खाना तो आधा बन गया है, तुम्हें चलना है तो चलते हैं। तुम्हें पीना भी तो है ना? कुछ चाहिए? नहीं, सॉरी, मैंने तुमसे नहीं पूछा, तुम लोगी कुछ? मैं नहीं पीती। सर्दियों में भी नहीं? मैं तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा ना? बैठा बैठा बोर हो गया था तो। नहीं, कोई बात नहीं, बात करते करते काम हो जाएगा। एक बात पूछूं? तुम हर बात की पहले से तैयारी करना चाहती हो, जिससे तुम्हारे अंदर कोई कमी ना दिखे। जैसे उसका मनपसंद खाना बनाना, वही कपड़े पहनना जो उसे अच्छे लगे, घर का सजाना। तुम वो हर चीज करना चाहती हो जिससे उसे खुशी मिले। तुम्हें लगता है कि तुम कुछ भूल रही हो? क्या? प्यार। प्यार का क्या करोगी? प्यार? हाँ, जब वो तुमसे प्यार करेगा तो हो सकता है बिना किसी तैयारी के इतने सालों बाद तुम उसको ठंडी लगो।
उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए ना कि तुम्हारे अंदर उसके लिए चाह खत्म हो चुकी है। सोचो उसे कितनी चोट पहुंचेगी अगर उसे पता लगा कि तुम उसके लिए वो महसूस ही नहीं करती। उसको ये भी लग सकता है कि तुम सारी बातें भूल चुकी हो, तुम वो सब महसूस नहीं करती जो पहले करती थी। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें एक बार कोशिश करनी चाहिए? तुम शायद भूल गई उस बात को, मुझे अभी ध्यान आया। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं वैसे भी एक शाम का मेहमान हूं, किसी को कुछ पता नहीं लगेगा। लेकिन तुम खुद को उसके लिए बहुत अच्छे से तैयार कर सकती हो। सोचो कितनी खुशी होगी उसे। एक दिन हम थिएटर से वापस आ रहे थे, लंबी सुनसान सी सड़क थी, बारिश के दिन थे, वो बहुत थका हुआ था। अचानक रुक गया, मैं भी रुक गई। उसकी नजरों में वही लालसा थी जो इस वक्त तुम्हारी आंखों में है। मैं समझ गई वो क्या चाहता था। मैंने उसके हाथ अपने कंधों से हटाए और अपनी छाती पर रख लिए। उसके हाथ कांप रहे थे और होंठ भी, पर वो अचानक नीचे चट्टान पर बैठा और फूट फूट कर रोने लगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं तो उसे वो सुख देना चाह रही थी जो मुझसे पहली बार मांग रहा था। मैं भी उसके पास बैठ गई, वो फिर भी रोता रहा। मैंने उसका सर अपनी गोद में रख लिया, फिर उसने अपना सर मेरी गोदी से उठाया और मेरी उंगलियों को चूमने लगा। फिर उसी सुनसान रास्ते से हम लोग लौट आए। तुम सही कहते हो, शायद इन 13 साल में मैं बहुत कुछ भूल गई। शायद जब मैं प्यार करूं तो बहुत ठंडी लगूं। पर बस कुछ ही सेकंड लगेंगे। प्यार के लिए तैयारी की जरूरत नहीं होती, उसका बस मुझे छूना काफी है। तुम्हारी कोशिश बेकार है। हाँ, अगर तुम्हें पता लगे कि उस रात क्या हुआ था तो जरूर बताना। खाना तैयार है और तुम्हारे बैग भी हो चुके हैं। खाना लगाओ और खा लो, सुबह 8 बजे मिलेंगे।
तैयार हो साहब? हाँ, बस कुछ खा लूं। जी खा लीजिए, मैं बाहर वेट करता हूँ। वो कहाँ है? आप चलिए ना सर। अरे पर वो कहाँ है? उसे हमारे साथ चलना था ना, घर भी खुला हुआ है, उसको पैसे भी तो देने। पैसे मुझे दे दीजिएगा साहब, घर मैं बंद कर देता हूँ, ताला है मेरे पास। आइए। अच्छा सुनो, वो स्टेशन पर मिलेगी ना, वो तुम्हारे रास्ते में पड़ेगा। मैं सोच रहा था एक बार मिल लेता उससे। नहीं साहब, नहीं मिलेगी। मतलब? घर के पीछे लकड़ी के गोदाम में छुपकर बैठी होगी, कोई नहीं आने वाला साहब। जो रेल के डिब्बे आप देखने जा रहे हैं, उस एक्सीडेंट में पिछले साल बहुत लोग मारे गए, उनमें से एक वो भी था। उस दिन जिंदगी में पहली बार मैं नीलामी हार गया।